इबादत को लेकर इस्लाम मर्द और औरत के बीच कोई फर्क नहीं करता और दोनों को बराबर का हक दिया गया है। लेकिन दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के प्रशासन ने महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का तालिबानी फरमान जारी करके सियासत गरमा दी है। यहां तक कि मक्का मदीना और यरूशलम की अलक्सा मस्जिद में भी महिलाओं की एंट्री पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि दिल्ली महिला आयोग ने शाही इमाम को नोटिस जारी कर ये फैसला वापस लेने के लिए कह दिया है। एक तरफ जहां ईरान जैसे कट्टरपंथी मुल्क में महिलाएं अपना हिजाब फेंक कर और बाल काट कर खुद के प्रगतिशील होने का सबूत दे रही हैं, तो यहां देश की राजधानी में ऐसा फरमान हैरान करने के साथ ही ये सवाल भी उठाता है कि महिलाओं को किस कट्टरपंथ की तरफ धकेलने की तैयारी हो रही है। हालांकि मजहबी रवायतों से जुड़े किसी भी फरमान को जारी करने के पीछे कोई ठोस वजह होती है जिसे समाज भी बगैर किसी मुखालफत के मंजूर कर लेता है। लेकिन जामा मस्जिद के इस फरमान के लिए बड़ी अजीबोगरीब वजह ये बताई गई है, चूंकि यहाँ लड़कियाँ अकेले आ रही थी इसीलिए उनके प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने मस्जिद के मुख्य गेट समेत तीनों पर नोटिस चस्पा करके लड़कियों के अकेले या फिर समूह में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। अब सवाल उठता है कि इस मस्जिद में लड़कियां तो पिछले कई सालों से अकेली या फिर सहेलियों के साथ लगातार आती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन पर रोक लगाने के लिए ऐसा बेतुका फरमान सुना दिया गया। इस फैसले पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने सफाई दी है कि जामा मस्जिद इबादत की जगह है और इसके लिए लोगों का स्वागत है, लेकिन लड़कियां अकेले आ रही हैं और अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हैं, ये जगह इस काम के लिए नहीं बनाई गई है, इस पर पाबंदी है। किसी गुरुद्वारे या मंदिर ने तो आज तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया कि अकेली लड़कियों के आने पर रोक लगा दी जाए। लिहाजा जामा मस्जिद के इस फैसले को गैर बराबरी वाला और तालिबानी फरमान बताया जा रहा है। यही वजह है कि चौतरफा इसकी आलोचना हो रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस तरह से महिलाओं की एंट्री बैन करना असंवैधानिक है, इस तरह का तालिबानी फरमान हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भी जल्द ही इस पर संज्ञान ले सकता है। दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा? जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि देश की कई मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लंबित है जिस पर फैसला होना है। ये समानता के अधिकार और जेंडर जस्टिस का भी उल्लंघन है। तो अब देखना होगा कि उस याचिका पर क्या तर्क दिया जाता है और क्या ये फैसला वापस लिया जाएगा कि महिलाएं जामा मस्जिद के अंदर नहीं घुस सकती।